Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब? मैं ज़ुलेखा अरफ़ा, ज़ुलेखा किचन से। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का करम है और आप लोगों की दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, मजे में हूँ। तो आज मैं क्या बना रही हूँ? आज मैं बना रही हूँ कीमा फ्राई, एकदम हैदराबादी स्टाइल में। तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी, साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। चलिए, आधा किलो मटन कीमा धोया हुआ, नितारा हुआ, आप चाहे तो पतीली में डाल दें या फिर मेरी तरह कुकर के अंदर डाल दीजिए। इसमें डाल दीजिए 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा कप दही, नमक स्वाद अनुसार और आधा कप पानी डालकर सबसे पहले तो बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। कुकर का ढक्कन लगा दीजिए और फास्ट आंच पर तकरीबन 3-4 सीटी खिला लीजिए या तब तक पका लें जब तक कीमा गल नहीं जाता। 3-4 में तो आराम से गल जाएगा सीटी में। अच्छा, अगर आप पतीली में बना रहे हैं तो ये जब आप मिक्स कर लेते हैं तो ढक कर स्लो आंच पर इसे तकरीबन 15-20 मिनट तक पकने दीजिए या तब तक पकाए जब तक मटन नहीं गल जाता। तब तक जब कम्प्लीटली प्रेशर निकल जाए तो खोलकर मटन चेक कर लीजिए, अगर गल गया हो तो फास्ट आंच पर पूरी तरीके से पानी सुखा लीजिए। अब फ्राई पैन के अंदर 1/4 कप जितना तेल डालिए, उसमें सबसे पहले मैं 3-4 हरी मिर्चियों को स्लिट मारकर डाल देती हूँ और इसे कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करें। जब थोड़ी सी कलर चेंज होने लग जाए तो इन्हें सारों को नितार कर साइड पर रख दीजिए। और अब यही जो तेल है, ये जो अच्छा फ्लेवर वाला तेल हो गया, इसमें जो कीमा हमने पकाया है वो सारा डाल दीजिए। सबसे पहले तो कीमे को एक बार चला लीजिए, उसके बाद डाल दीजिए 1 बड़ी साइज की मोटी मोटी कटी हुई प्याज। मेरे पास 1 बड़ी नहीं थी तो मैंने 2 मीडियम साइज की मोटी मोटी कटी हुई प्याज डाली है और उसके जो छोटे छोटे पीसेस थे ना वो साइड पर रख देती हूँ। अच्छा, इसे मीडियम आंच कर दीजिए और इसे बार बार चलाते हुए पकाएं, तब तक पकाएं जब तक ये जो प्याज है ना कच्ची पक्की नहीं हो जाती। समझे ना, फ्यू मिनटों में तो आराम से हो जाएगी, 1-2 मिनट में तो आराम से हो जाएगी। जब प्याज कच्ची पकी हो जाए चूल्हा स्लो कर 1/4 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए, 1 या 1/4 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटे चम्मच भुना हुआ और पिसा हुआ जीरा पाउडर और 1/2 छोटे चम्मच गरम मसाला पाउडर डालकर सारी चीजों को सबसे पहले तो मिक्स कीजिए। मिक्स नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा पानी का छींटा मार लीजिए इसके ऊपर, मटन के ऊपर, कीमे के ऊपर, और इसे मिक्स कर लीजिए और इसे स्लो आंच पर आप बार बार चलाते हुए पकाएं, तब तक पकाएं जब तक ये जो हमारा मसाला है ना भून नहीं जाता। तकरीबन समझिए ना 4-5 मिनट में तो मसाला भून जाएगा, तो इसे बार बार लेकिन चलाते रहिएगा। हाँ, मुझे थोड़ा सा तेल कम लग रहा है तो मैं डाल रही हूँ और एक बार चला लेती हूँ। आपने स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हो। अच्छा, अब मैं है ना थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ क्योंकि हमने नमक डाला नहीं था मसाले के साथ में, तो आप एडजस्ट कर लें। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया यानी कि कोथमीर मैं डाल देती हूँ, उसे भी डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और तकरीबन मसाला भून जाता है 4-5 मिनट में तो भून जाता है। तो चूल्हे को कर दीजिए बंद, नींबू का रस डाल दीजिए ऊपर से निचोड़ दीजिए, कम या ज्यादा अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। एक बार चला लीजिए, आपको नमक कम लगे एडजस्ट कर लीजिए। अब खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर यानी क्या हरा धनिया फिर से डाल दीजिए और वो जो मिर्चियां हमने पहले साइड पर रखी हैं फ्राई करके मजेदार सी चटपटी सी, वो सारी डाल दीजिए और गर्मा गर्म इसे सर्व कीजिए। तो ये बन गया ना हमारा एकदम मजेदार हैदराबादी मटन कीमा फ्राई। अच्छा, मैं अब आपको चक्के दिखा देती हूँ, हमेशा जो मैं दिखाती हूँ आपको। बहुत ही मजेदार है, मस्त। नींबू मैंने मेरे हिसाब से कम ही डाला है, आप ज्यादा भी डाल सकते हैं आपके हिसाब से। बढ़िया है, मजेदार। आप रोटी पराठा फुल्का बटर नान किसी के साथ भी सर्व कीजिए, मैं रोटियों के साथ सर्व कर रही हूँ। वैसे इनमें से कुछ ही रेसिपी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, आप वहां चेक कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत कंजूस हो गए हो आप लोग लाइक में और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसके ये वाली लिंक फॉरवर्ड कीजिएगा रेसिपी के। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।